आए हैं भैंसिया से दूध निकाल के, हम आए हैं भैंसिया से दूध निकाल के। भाभी जी तुम पी न संभाल के, भाभी जी तुम पी न संभाल के। ना 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 ना। मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग भैया जी, सब ठीक? हाँ। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसे हैं आप? सब ठीक? भैया जी ये, अरे अरे भैया क्या आपका, अरे भैया अरे 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 भैया, अरे भैया क्या हो गया, अरे अरे भैया, अरे ये क्या कर रही, आप ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। तू कौन है? मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ। अब रहता है तो क्या करूँ? निकल यहाँ से। मार रहे। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम हो जाके सेक्रेटरी से बोलिए, ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते आप। मैं देखो कब से मार रहे हैं बिना मतलब का। तू कौन है? तुझे मार के बताओ कैसे मारना। छोड़िए कॉलर। तेरी वजह से भाग गया वो। चोट मैंने दी है, तुम्हारा भी मैं ही लगाऊंगा ना, ऐसा तुम्हें लगता होगा। कितना कठोर इंसान मिला है तुम्हें, जिसमें नफरत भरी, लेकिन परेशानी नफरत से नहीं है, मेरी परेशानी प्यार है, क्योंकि मैं तुमसे करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना प्यार करता हूँ कि जब भी कोई मर्द तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखता है ना, तो मैं पागल हो जाता हूँ और अपना कंट्रोल खो देता हूँ। I'm so sorry. मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ। I love you. रोशन जी चक्का मारा। अरे तारा जी आप कब आ गए? अब ठीक है ना? रोशन जी सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं, कब से शुरू होगा मेरे पति का पेंशन? तारा जी मैं भी तो कब से वेट कर रहा हूँ।
कब देंगी आप? ध्यान अपनी फाइल पर, कागज पूरे नहीं ना आपके? पर आपने तो फाइल भी नहीं खोल के देखी, एक बार कम से कम पेपर तो चेक कर लीजिए। तब से वही तो कर रहा हूं मैं, चेक। रोशन जी कितना टाइम लग जाएगा अभी कागजी कार्रवाई होने में? तारा जी, ये साड़ी आपकी बहुत अच्छी है। आप कहना क्या चाहते हैं रोशन जी? समझदार नहीं है आप, वरना एक छोटा सा इशारा काफी था समझने का। ये आपकी फाइल, जब कागज पूरे हो जाए तब आ जाइएगा। नमस्कार। राजू चल गया। आप लोग आज के आज ये सोसाइटी छोड़ के जा रहे हो, आप जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। दो दिन के अंदर एक घर खाली करके जा रहा हूँ। ये घर भी हमें छोड़ना होगा ना? हाँ, लेकिन अगला घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? अगले घर में ऐसा क्या होगा? ये पूछोगी क्या नहीं होगा? मर्द, खास करके मर्द जात नहीं होगी वहां पे। मैं आज अपने स्टेट एजेंट को फोन करके कह रहा हूँ कि ऐसा घर ढूंढे हमारे लिए जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, भीड़ भाड़ से एकदम दूर, खास करके मर्द ना हो। भगवान करे आप जैसा चाहते हो आपको वैसा ही घर मिले। हेलो, हाँ जी, देव शर्मा है, बिल्कुल एकांत प्रिय व्यक्ति है आप ही की तरह। ये शांत घर ढूंढ रहे थे, अब इससे शांत जगह हो तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर अचानक से? हाँ, वो अचानक आने के लिए सॉरी, लेकिन क्या है ना, इनको भी जल्दी है और आपको भी जल्दी है। अरे देव बाबू आइए, इसे अपना ही घर समझिए। इधर किचन है और ऊपर बेडरूम है, बाथरूम साथ में। आप अकेली रहती हैं? जी, किस्मत ने अकेला कर दिया। बैठिए ना। आपका घर पसंद आया है मुझे, एक महीने का एडवांस और 3 महीने का डिपॉजिट, इतना ही चाहिए था ना आपको? जी नहीं, मुझे कुछ और भी जानना था। पूछिए क्या जानना है। आप क्या करते हैं? आप? मेरा बिजनेस है सॉफ्टवेयर का।
और आप आने का कब से सोच रहे हैं? आज से मैं चलता हूं, आता हूं। अरे आप, मुझे लगा आप दोनों थक गए होंगे और अभी तक किचन भी नहीं जमा है ना, इसलिए मैं आप दोनों के लिए चाय ले आई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अब आप ले ही आई हैं तो थैंक यू सो मच। मैं सर्व कर लेती हूँ। तारा अंदर आ जाओ। बैठो ना तारा, आओ। देवा जल्दी चले गए? हाँ, वो उन्हें ऑफिस का थोड़ा काम था इसलिए जाना पड़ा। तुम बैठो ना। और ये? वो मेरा हाथ लग गया था इसलिए। तुम बैठो, मैं ठीक करती हूँ। तुम बैठो, मैं कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। बैठो ईशा, मैं करती हूँ। ईशा, सब ठीक है ना? ये सब बिखरा क्यों पड़ा है? अब वो मेरा हाथ लग गया था इस वजह से।
तुम्हारी गर्दन के निशान यहां भी हाथ लग गया। देखो मैं सब समझती हूं ईशा, मुझे नहीं है, तुम चाहो तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। ये शुरू से ही ऐसे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन अगर कोई आदमी मुझे देख भी ले तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। अक्सर प्यार और पागल बन का अंतर भूल जाते हैं, तब तब होता है ये। ये देव इंसान है या जानवर, तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं लगा देती हूँ। रहने दो, अब तो इसकी आदत सी हो गई, जख्म हरे रहेंगे तो कुछ दिन वहशीपन जरा कम रहेगा। तुम पागल हो, जरा सा पानी लगेगा ना तो सेप्टिक हो जाएगा। देव तुमसे प्यार करता है ठीक है, लेकिन प्यार में ये सब हरकतें ठीक नहीं है, और ये बात सिर्फ तुम उसे समझा सकती हो। इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकती। बस हिम्मत की तो बात है, हिम्मत। और देखो हिम्मत की बात कर भी कौन रहा है, जो अपने पति के मरने के बाद लोगों के जुल्म बंद जुबान से सह रही है। मतलब कब देंगी आप? ध्यान अपनी फाइल पर, कागज पूरे नहीं ना आपके? पर आपने तो फाइल भी नहीं खोल के देखी। ये साड़ी आपकी बहुत अच्छी है। आप कहना क्या चाहते हैं रोशन जी? समझदार नहीं आप, वरना एक छोटा सा इशारा काफी था समझने के लिए। कीड़े पड़ेंगे उस कुत्ते को। छोड़ो ना, जिंदगी ऐसी तकलीफें देती रहती है, और मैं तो खुश हूं कि मुझे कुछ स्पेशल मिला है। स्पेशल? हाँ, तुम्हारे जैसी दोस्त। हम दोस्त तो हैं ना, इसमें पूछने की क्या बात है? तो बस फिर तैरा, अब से जिंदगी चाहे हमें जो भी जख्म दे, पर हम एक दूसरे के लिए मरहम का काम करेंगे। आप पेंशन ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? सारा जी के लिए। वो आपको तो पता है ना, तारा जी कितनी परेशान रहती हैं, और वो पेंशन ऑफिसर वो उन्हें बहुत परेशान करता है। अभी तक ना उनके पति की पेंशन भी शुरू नहीं की है, और तारा जी को मोलेस्ट करने की भी कोशिश करता है। अगर आप कहें तो बेफिक्र हो तुम,
बहुत छोटी सी बात है, तुम तारा जी से कहना कि उनका काम हो जाएगा। और कुछ नहीं। जी सर क्या आपने फोन लगाया था आज? नहीं सर, वो शादी में आया रिश्तेदार की, इसलिए सर वो आपका फोन का ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी सर। हाँ सर हाँ, अरे नहीं सर, सर नहीं नहीं सर, बात वो नहीं है सर। अरे नहीं सर, आप सुनिए तो सही बात मेरी, उसका सर कागज पूरे नहीं थे। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है सर, मैं खुद दे आऊंगा। ठीक है सर, सर खाना खा रहा हूँ शादी में अभी। हाँ सर, बुआ के लड़के की शादी है सर। हाँ सर जी सर, ठीक है सर, मैं कल जाऊंगा जग जाकर। ठीक है सर। ईशा, अरे आप, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? तुम्हारे लिए आज कुछ खास चीज लेकर आया, चलो मेरे साथ ऊपर, तुम्हें दिखाता हूँ। पर क्या? अरे चलो ना बाबा, जल्दी चलो। अपनी आँख बंद करो। पर क्यों? अरे करो ना, तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज लेकर आया हूँ, करो। आंखें खोलो अपनी। ये क्या है? कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए, खोलो, हम खुलवाते हैं। ये क्या है? नाइटी है। आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, तुम इसे पहन कर दिखाओ, हमें तुम्हें देखना है। अरे पर मैं इसे नहीं पहन सकती, देखो ना कितना छोटा है ये। अरे तो इसे पहनकर बाहर थोड़ा जाना है, देखो हम ही देखेंगे तुम्हें, हमारे खातिर। पहन लो ना इसे, इसे जल्दी से पहनकर आओ, हमें तुम्हें देखना है। हम ये नहीं पहन सकते, हमें नहीं अच्छा लगा। हम पूछ नहीं रहे तुमसे, क्या हुआ, कब हुआ? हमारे अभी, जल्दी से सर्वर को बंद करो, हमारे अभी। तारा अंदर आओ। बहुत सुंदर लग रही हो तारा, ये तो बस ऐसे। पर तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, पर थोड़ी कमी है। नहीं तारा, ये तो वो देव ना बस ऐसे ही ले आए थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। दो मिनट, अगर पति को रिझाना है, उसे खुश रखना है, तो सजना सवरना तो होगा ही ना। बैठो।
देव, 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 आप आ गए। चलो अच्छा है, पता नहीं क्यों आज हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। अब आ गए हो तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। अरे वो हम तो हमारा लैपटॉप लेने आए थे, वो ऑफिस में कुछ काम है तो हम भूल गए थे, वो लेकर जाते हैं। देव बैठो ना, आपका हमसे इस तरह से मिलना हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा आपका हमें इस तरह से प्यार करना, लेकिन हमारा लैपटॉप। इस प्यार को एक नाम दे देते हैं। अभी नहीं, अभी हमें बहुत सारा काम है, हम वापस में आके मिलते हैं आपसे। लेकिन हमारा लैपटॉप कहाँ है वो मैं। लैपटॉप हम ले आते हैं, आप बैठिए। ये आपका लैपटॉप। थैंक यू। चलिए आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आता हूँ मैं। देव, आप आ गए इतनी जल्दी। देव, तारा देख लेगी। तारा ने देख लिया और वो चली भी गई। तो आपने ही भगाया होगा ना उसे, ऐसे तो तारा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। क्यों, कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया आपसे? देव, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे बहनों वाला, आप भी क्या सोचते? अच्छा अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? हमने कहा ना आंखें बंद करो। पर देव, हम पूछ नहीं रहे हैं आप। आगे बोलो। देव, ये क्या है? वाह, सारी ये तो बहुत प्यारी है देव। बिल्कुल आपके लिए है। अब जल्दी से जाओ, इसे पहन कर आओ। आज हम आपको बाहर लेकर जाएंगे खाना खिलाने के लिए। क्या हुआ? अरे हमने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है आज। जाओ और पहन कर आओ। सर। हाँ? बड़े साहब ने दिया है, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, जाओ। हेलो सर। जी सर। हाँ, आपको एक लेटर भेजा है। हाँ सर, एक आया लेटर आया कोई भी है। जी सर, देखता हूँ उसको। देखा आपने? जी सर,
ये तारा जी की पूरी पेंशन है और बाकी की फॉर्मेलिटीज। जी सर, देखा। जिसके लिए आपने उनको पिछले 8 महीने से लटका के रखा है, अब आप ये पेंशन खुद उनको घर जाके दे कर आएंगे। लेकिन सर, इट्स माय ऑर्डर। बस। और हाँ, ये काम आज शाम को हो जाना चाहिए और आते वक्त उनसे माफी भी मांग लेंगे। सर, शाम को मुझे कुछ काम है सर। और शाम को हम फोन करेंगे पता करने के लिए कि आपको माफी मिली या नहीं। हैरान क्यों? मैंने तुम्हारे लिए पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया। पर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मैं जानता हूं कि तुम दिन भर घर पे अकेली रहती हो, तुम्हारा भी मन होता है बाहर आने का, बाहर का खाना खाने का। अब तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? एक मिनट, शर्म आ रही है, हमें डांस नहीं करना। हम पूछ नहीं रहे। पहचाना नहीं क्या? रोशन, आपका रोशन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑफिस में परेशान करके मन नहीं भरा जो यहाँ घर पे भी आ गए? आरा जी, तुम्हारा बाहर कितनी गर्मी हो रही है, कसम से आप भी काफी हॉट लग रही हैं आज। हम तो पानी बनी हो गए। इतना गुस्सा क्यों हो रही है तारा जी? तो प्यार से देखिए, ठंडा पानी पिलाइए, हमें घर में बुलाइए। क्यों, तू मेरा बाप लगता है? बाप बन जाएंगे अगर आप चाहेंगी तो। शर्म, दादा बनने की उम्र में बाप बनने के सपने देख। अरे तारा जी, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो आप? ये लीजिए पेंशन आपकी।
हेलो तारा, ईशा, ईशा मुझे बचा ले, ये हरामी मुझे मार ले। तारा जी, तारा क्या हुआ तुम्हें? ईशा मुझे बचाओ, मुझे हेलो तारा, तारा अरे तारा जी इतना क्यों घबरा रही हैं आप? अरे आपको खाने जाऊंगा मैं। समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा तेरे को? प्यार की भाषा समझ नहीं आती है ना? हैं? कब से प्यार से समझा रहा हूं, मान जा लेकिन तू नहीं मानी। आज तेरा वो हाल करूंगा मैं, तू मरते दम तक मुझे याद करती रहेगी। मैं तो जल्दी मर जाऊंगा। अभी तो तू अकेली थी, अब तो तुम दोनों मेरे हो। अब तुम दोनों क्या मजा लूंगा मैं, क्या समझी? अब तो मर जा, जब तक तू नहीं मरेगी तेरी सहेली से मैं मजा कैसे करूंगा? Oh!
तारा, तारा, क्यों 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 होते हैं ऐसे लोग, क्यों नहीं जीने देते हमें हमारी जिंदगी। तारा, ईशा, देव, आप आ गए। देव, देखो नहीं क्या कर रहा था हमारे साथ, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? क्या ये सब? देव, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है देव, मैं समझाती हूँ। सब समझ में आ रहा है मुझे, तुम दोनों की हालत बता रही है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, और वो भी इस लाश के सामने। नहीं देव, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी जिंदगी पश्चाताप में मरता रहा कि मैं अपनी प्यारी बीवी पर शक करता हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला नहीं देव कि तेरे साथ कभी मुझे कोई मर्द क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुझे तो औरतें पसंद है। ईशा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। मैं तुझे पागलों की तरह प्यार करता रहा, मुझे पागल बनाती रही तुम। ये क्या किया तुमने तारा? वही जो तुमने इसके साथ किया, मुक्ति दे दी इसको भी। क्या हुआ था इधर? पेंशन ऑफिसर था सर, पेंशन के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, आज घर तक पहुंच गया, औरतों को अकेला देख के टूट पड़ा। बेचारी का पति आ गया तो दोनों में हाथापाई हुई और दोनों मर गए।